सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है प्लांट क्लासिफिकेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्लांट किंगडम को उसमें प्लांट में बीज प्रेजेंट होने और ना होने के बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटा गया है। इज डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स, एक है क्रिप्टोगैमी और दूसरा है फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में जो सीड्स होते हैं वो नहीं बनते हैं और फेनरोगैमी में सीड्स होते हैं वो बनते हैं। क्रिप्टोगैमी विदाउट सीड्स, इसमें विशिष्ट स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन के बाद बनता है सीड्स, वो अब्सेंट होता है। उसके बाद ये जो प्लांट्स होते हैं लोअर प्लांट्स कहलाते हैं और इनमें बीज नहीं बनता है। क्रिप्टोगैमी विदाउट सीड्स, इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, यानी इनके जीवन में एम्ब्रियो टाइप की कोई चीज़ नहीं बनती है। इनमें तीन कैटेगरी हैं, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम मोनेरा में पढ़ चुके हैं, फंजाई को हमने अलग से स्टडी किया था और उसके बाद एल्गी जो है प्लांट किंगडम में रखा गया है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है ब्रायोफाइटा, ये एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं लेकिन इनमें वैस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। ये बहुत ही लोअर प्लांट होते हैं। ये इनकी जो कैटेगरी है लिवरवर्ट्स में बांटा गया है और मॉसेस में बांटा गया है। लिवरवर्ट्स का एग्जांपल है मार्केंसिया और मॉसेस का एग्जांपल है फ्यूनेरिया एंड स्फेग्नम। जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है टेरिडोफाइटा, ये सीडलेस होते हैं और इनमें वैस्कुलर टिश्यू भी प्रजेंट होता है। सीडलेस है, वैस्कुलर टिश्यू है और ये एम्ब्रियोफाइट्स भी हैं, यानी कि इनकी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो भी बनता है। इनके जो एग्जांपल है फर्न है, ठीक है। जब टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो फर्न के बारे में हम लोग विस्तृत डिस्कस करेंगे। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है फेनरोगैमी। फेनरोगैमी होती हैं एम्ब्रियोफाइट्स विथ सीड्स, इनमें एम्ब्रियो भी बनता है जाइगोट के बाद और इनमें फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्टेंट है सीड वो भी इनमें बनता है। दे आर कॉल्ड सीड प्लांट्स, इनको सीड प्लांट्स कहते हैं। अब जो फेनरोगैम्स हैं ये एम्ब्रियोफाइट्स विथ सीड्स होते हैं, यानी कि इनमें जाइगोट भी बनता है, एम्ब्रियो भी बनता है और फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें सीड्स भी बनते हैं। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है जिम्नोस्पर्म्स और एक होता है एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स रहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें सीड्स तो बनते हैं लेकिन सीड्स के ऊपर की कवरिंग जो फल भित्ति कहलाती है नहीं बनता है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है एंजियोस्पर्म, इनमें हिडन सीड्स होते हैं, यानी सीड्स के ऊपर इनमें जो है कवरिंग होती है। वो कवरिंग काहे की होती है, वो कवरिंग होती है फ्रूट की कवरिंग होती है, यानी कि वो फल भित्ति होती कहते हैं उसे हिंदी में। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट में टू कॉटिलेडन्स होते हैं इनके फ्रूट्स में, यानी इनका जो बीज होता है उसमें डाइकोट में दो कॉटिलेडन्स होते हैं और इनमें मोनोकोट में एक कॉटिलेडन्स होता है इनके बीज में। एक और अंतर होता है डाइकोट और मोनोकोट में, जो डाइकोट की पत्ती होती है वो रेटिकुलेट टाइप की होती है, यानी कि उसकी जो सीड्स होती है डाइकोट की कुछ इस तरह से होती है। एंजियोस्पर्म्स हिडन सीड्स होते हैं इसमें और एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक डाइकोट और एक मोनोकोट। डाइकोट में आपके चना आता है, मटर आती है और बहुत सारी पल्सेस आती हैं, जैसे कि उड़द की दाल या अरहर की दाल, क्योंकि उसमें दो कॉटिलेडन्स होते हैं। उसके बाद जो मोनोकॉट होता है उसमें कई सारे प्लांट आते हैं, उसमें बहुत सी ग्रासेस आती हैं, घास आती हैं
और जो हम वीट का इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी में आता है। एक अंतर ये हो गया कॉटिलेडन्स का, और दूसरा अंतर होता है डाइकॉट की पत्ती का और मोनोकॉट की पत्ती का। डाइकॉट की पत्ती रेटिकुलेट होती है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और मोनोकॉट की पत्ती में पैरेलल विनेशन रहता है, मतलब इस तरह के कुछ पैरेलल जो है लाइंस इसमें पत्ती में रहती हैं। उसके बाद डाइकोट का जो प्लूम्यूल होता है, यानी कि जो प्रांकुर निकलता है डाइकोट के बीज से, वो कुछ इस तरह से डाइकोटिलेडन्स निकलता है, जबकि मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन्स होता है शुरुआत में जो प्रांकुर निकलता है। तो हम देख के मालूम कर सकते हैं कौन सा प्लांट डाइकोट है और कौन सा प्लांट मोनोकॉट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वेरियस क्लासिफिकेशन से पढ़ लेते हैं जो प्लांट के विषय में बहुत से साइंटिस्ट ने दिए हैं। इनमें देखिए, पहला है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है किंगडम एनिमलिया में। इससे पहले का जो हमने लेक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था उसमें ये बहुत अच्छे से बताया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें पूरे जीव जगत को पांच किंगडम्स में बांटा गया है। इसको दिया था RH वीटेकर ने, यानी रॉबर्ट हार्डिंग वीटेकर ने। उसके बाद आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, इसको दिया था कैरोलस लीनियस में, लीनियस ने। अभी इन सब के बारे में आगे विस्तार से जानकारी लेंगे हम लोग। सिस्टम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दिया था बेंथम एंड हुकर ने। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दिया था एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रॉन्टल ने। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर साइटोटैक्सोनॉमी और फिर कीमोटैक्सोनॉमी, एक एक टर्म इनके बारे में जानेंगे। ये है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये है साइंटिस्ट, इन्होंने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये है आपके RH वीटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग वीटेकर, ये 1969 में आए थे और उन्होंने पूरे जीव जगत को पांच किंगडम्स में बांटा, मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमलिया। उसके बाद इनका जो क्लासिफिकेशन का तरीका था, यानी जो क्लासिफिकेशन बेस्ड था, किसके आधार पर इन्होंने इस पांचों कैटेगरी को अलग अलग बांटा, वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का है एनिमल्स में, जीवों में, कि वो ऑटोट्रॉपिक है या वो हेटरोट्रॉपिक है या वो सेप्रोफाइटिक है। उसके बाद दूसरा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी थी वो किस तरह की थी, वो यूनिसेलुलर थी, मल्टीसेलुलर थी या वो किस तरह की थी। और फिर था सेल स्ट्रक्चर, जो सेल थी वो कैसी थी, वो प्रोकैरियोटिक सेल थी कि यूकैरियोटिक सेल थी। उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इन्होंने दिया था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब बहुत से एनिमल्स की स्टडी करी इन्होंने, बहुत से जीवों की स्टडी करी, और ये बताने की कोशिश करी कि जो आगे वाले जीव हैं वो किन से रिलेटेड हैं, यानी कि उनके पूर्वज कौन रहे होंगे और उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है जो हम आज जीवों को पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी थी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के आधार पर भी इन्होंने बांटा, रिप्रोडक्शन किस तरह का है, कि वो जीव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। जैसे मोनेरा में आपके सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं और बाकी सारी जो कैटेगरी है वो यूकैरियोटिक की है। उसके बाद प्रोटिस्टा में आपके सब यूनिसेलुलर होते हैं और बाकी सब इन यूनिसेलुलर से डिफरेंट हैं। फंजाई थे वो सारे हेटरोट्रॉपिक थे। उसके बाद प्लांट की कैटेगरी, ये प्लांट ऑटोट्रॉपिक थे। उसके बाद एनिमल की कैटेगरी, ये हेटरोट्रॉपिक थे और इनमें बहुत ही एडवांस्ड रिप्रोडक्शन होता है। ये थे RS वीटेकर। हमारी जो दूसरी कैटेगरी है, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजी को देख के किया, और हम सब ये जानते हैं कि एक्सटर्नल कैरेक्टर या जो बाहरी बनावट होती है किसी जीव की, वो उसके इन्वायरमेंट पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इनको कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहे जाते हैं, यानी वर्गीकरण के पिताजी कौन कहे जाते हैं, कैरोलस लीनियस। इसके बाद
बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया था, यानी कि किसी जीव का अगर नामांकरण करना है तो उसके दो नाम होंगे, जो पहला नाम होगा वो जीनस का होगा और दूसरा नाम होगा स्पीसीज का होगा, और ये पूरे वर्ल्ड में मान्य होंगे, तभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की स्टडी आसान हो पाई। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं मैन, जिसे हम ह्यूमन बोलते हैं, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है होमो सेपियंस। होमो इसमें जीनस है और सेपियंस इसमें स्पीसीज है। आगे इसके बारे में बताएंगे हम। स्पीसीज प्लांटेरम इन्होंने 1753 में लिखी थी। इनका जो पूरा वर्क है वो इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम में पब्लिश कराया। कब? 1753 में। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने हायरार्किकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी डेवलप किया, यानी कि वो किस किंगडम का है, वो किस सब किंगडम का है, फिर वो किस ऑर्डर का है, फिर वो जंतु किस फैमिली का है, इस तरह से पूरा इन्होंने एक हायरार्की तैयार करी। ये थे कैरोलस लीनियस। ये इन्होंने बताया था कि जो एक जीव है उसको कैसे बांट सकते हैं, किंगडम में बांटते हैं, फाइलम में बांटते हैं, फिर क्लास में बांटते हैं, ऑर्डर में बांटते हैं, फैमिली में बांटते हैं, जीनस में बांटते हैं और स्पीसीज में बांटते हैं, तब उसका जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। और इससे एक फाइलोजेनेटिक स्टडी में भी आसानी होती है कि जैसे मान लीजिए कोई फैमिली का दो मेंबर हैं जिनके जीनस अलग अलग हैं और स्पीसीज अलग अलग हैं, तो ये वैज्ञानिक या हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं एनिमल या प्लांट या कोई जंतु, तो उनके एंसेस्टर यानी उनके पूर्वज सेम होंगे। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दिया था जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ये किस पर आधारित थे? ये नेचुरल एफिनिटीज़ एमोंग द ऑर्गेनिज्म पर आधारित थे। नेचुरल एफिनिटीज़ का मतलब होता है कि जो जीव हैं वो एक दूसरे से कैसे क्लोज हैं, मतलब कि उनके जो पूर्वज हैं वो कितने उनसे दूर हैं या वो किस पूर्वज से विकसित हुए हैं, इसका पता लगाते हैं हम मॉर्फोलॉजी को भी देख के और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी देख के। कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट आल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इन्होंने सबकी स्टडी करी। ये थे जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। इन्होंने एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पता किया, एनाटॉमी पता की, इनकी एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री भी पता की। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब है जो प्लांट कोई अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो उसकी हम एनालिसिस करेंगे उस प्रोडक्ट की, और फिर ऐसे ही सारे जो प्लांट प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद फिर हम पता लगाएंगे कि क्या इनमें सिमिलरिटीज़ है और क्या डिसिमिलरिटीज़ है। इसके बाद पब्लिश इन जेनेरा प्लांटेरम, इन्होंने जो अपना वर्क है यानी जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने, इन्होंने अपना जो वर्क है जेनेरा प्लांटेरम में प्रकाशित किया। कब? 1862 से 1883 के बीच में। इट इज़ इंक्लूडेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ 97,205। इन्होंने अपना सारा जीवन प्लांट के क्लासिफिकेशन में लगाया, यानी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डेवलप करने में लगाया। अब आप सोच लीजिए, इन्होंने 97,205 प्लांट्स की स्टडी करी, उसको क्लासीफाइड किया और ये भी बताया उनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, यानी पूरे विश्व में वो कहाँ पर पाई जाती हैं और वहाँ क्यों डेवलप होती हैं। जो आज बहुत सारे हर्बेरिया या बोटेनिकल गार्डन हम देखते हैं वो इनके सिस्टम के हिसाब से ही उन प्लांट्स को कैटेगराइज किया जाता है। ये स्टूडेंट्स की जो बॉटनी की स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स हायर स्टडी करते हैं, उनमें ये हर्बेरिया और बोटेनिकल गार्डन प्लांट की स्टडी करने में बहुत हेल्प करते हैं। इंडिया में भी जो नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग प्लांट को कैटेगराइज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको उगाया जाता है और रखा जाता है। ये थे जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। इन्होंने पूरी स्टडी, पूरा अपना जो लाइफ है वो
नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम को दिया। इन्होंने एक टर्म और दिया था, ऑर्डाइंस एनोमैली। जीवन भर ये करने के बाद फिर कुछ प्लांट्स की कैटेगरी ऐसी भी थी जो ये समझ नहीं पाए कि उनको कहाँ रखा जाए, किस ऑर्डर या किस फैमिली से ये प्लांट्स मेल खाएंगे, तो उन्होंने एक अलग कैटेगरी बनाई, ऑर्डाइंस एनोमैली। इनके उन्होंने ये बताया कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको अरेंज नहीं किया जा सकता सेटिस्फाइडली, मतलब पूरी तरह से कि ये सेटिस्फाइड हो जाएं कि ये हाँ ये इसी पर्टिकुलर जीनस या इसी पर्टिकुलर ऑर्डर या फैमिली में है, तो एक अलग से कैटेगरी बनाई, ऑर्डाइंस एनोमैली। ठीक है, इसमें उन्होंने उन प्लांट्स को रखा जो वर्गीकरण में कहीं भी व्यवस्थित नहीं हो पाए। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या था, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर्स का यूज़ करके हम बहुत सारे कैरेक्टर की एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सब इसमें शामिल किए गए। लगभग 50 या 100 कैरेक्टर्स ऐसे थे जो इसमें शामिल किए गए, नंबर और उनके कोड डिज़ाइन किए गए पहले से, और उसके हिसाब से जब हम इन कोड्स को कंपाइल करते हैं, इन नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंपाइल करते हैं, तो हमें एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। इसका इस्तेमाल किया गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। इसमें हर एक कैरेक्टर को सेम वेटेज दी गई और एक ही समय में बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रोसेस्ड कर लिए गए। साइटो टैक्सोनॉमी में जो मेन फोकस था साइंटिस्ट का, वो सेल के ऊपर आधारित था। सेल के अंदर की स्टडी करके हम ये डिफाइन करते थे कि जो डिफरेंट सेल्स, जीवों की सेल्स हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और वो किस तरह से क्लासिफिकेशन में हेल्प कर सकती हैं। एक क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को, क्रोमोसोम के नंबर को, क्रोमोसोम के बिहेवियर को, या उनके पूरे कैरियोटाइप को देखा जाए तो बहुत सी सिमिलरिटीज़ एनिमल्स और प्लांट्स में होती हैं, जिसके हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्लांट या वो पर्टिकुलर जो एनिमल है वो किस ऑर्डर में, किस फैमिली में या किस जीनस में आना चाहिए। और ये बहुत बड़ी प्लांट पॉपुलेशन में एक जेनेटिक रिलेशनशिप भी डेवलप करता है। इसी से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि मोनोकोट में जो क्रोमोसोम नंबर है वो बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपेयर टू डाइकोटिलेडन्स, जो हर्ब्स की तुलना में, जो वुडी प्लांट्स लकड़ी देने वाले पेड़ होते हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्या कम होती है। कुछ प्लांट्स में कैरियोटाइप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैरियोटाइप क्या होता है, कैरियोटाइप होता है एक तरह से जितने भी सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं उनका एक पिक्चर, उनका एक इमेजिन पिक्चर। केमो टैक्सोनॉमी मेन रूप से आधारित है, हम जानते हैं कि जो प्लांट है वो नॉर्मल कंडीशन में या एक स्पेशल कंडीशन में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करते हैं। केमो टैक्सोनॉमी में हम उन मेटाबोलाइट्स की स्टडी करते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं उस पार्टिकुलर प्लांट में वो दूसरे प्लांट से कैसे सिमिलरिटीज रखते हैं। इसको आधार मान के हम केमो टैक्सोनॉमी में जो है ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस है, जो प्लांट की लाइफ साइकिल्स है वो कई प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैटर्न फॉलो करते हैं। कुछ अपनी पूरी लाइफ हैप्लॉइड रहते हैं, यानी कि उनकी सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक, यानी क्रोमोसोम नंबर एन होते हैं। अगर किसी में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 हैं तो उसमें हैप्लॉइड लाइफ साइकिल में क्रोमोसोम नंबर 5 होंगे। जो इनकी लाइफ साइकिल्स है वो एक दूसरे के बाद जो आती है वो बहुत ही विशिष्ट तरीके से ये फॉलो करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। जैसे जो अधिकतर जीवों की लाइफ साइकिल होती है वो दो तरीके से पूरी होती है। कुछ समय के लिए उसमें गैमेटोफाइटिक या स्पोरोफाइटिक कंडीशन होती है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या या तो 2n होगी तो वो स्पोरोफाइट कहलाएगा, अगर क्रोमोसोम की संख्या केवल n है तो वो गैमेटोफाइट कहलाएगा।
तो इस तरह से कुछ समय के लिए कुछ प्लांट में गैमीटोफाइट रहता है स्टेज, और कुछ समय के लिए स्पोरोफाइट रहता है। ये डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर प्लांट कैसा है। लाइफ साइकिल में भी ऑफ थ्री टाइप्स, इस हिसाब से लाइफ साइकिल तीन तरह की होती है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब अलग अलग कवर करते हैं इसको। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जो जीव होता है वो अधिकतर हैप्लॉयड, उसमें क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो हैप्लॉयड ही होती है अधिकतर, यानी एन टाइप एन क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं। डिप्लॉयड में क्या होता है, डिप्लॉयड लाइफ साइकिल्स में अधिकतर समय के लिए जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो 2N होती है, यानी कि जो स्टेज होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। और हैप्लो डिप्लोन्टिक का मतलब होता है उसमें दोनों ही स्टेज, यानी कि गैमीटोफाइटिक N और स्पोरोफाइटिक 2N, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कुछ कुछ समय के लिए होते हैं, यानी कुछ समय के लिए उसमें, या ये कहिए लाइफ साइकिल में आधे समय के लिए उसमें गैमीटोफाइटिक स्टेज रहती है, और जीवन में आधे समय के लिए उसमें स्पोरोफाइटिक और 2N स्टेज होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला है हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इस तरह के प्लांट्स में या जीवों में केवल सिंगल फेज प्रेजेंट रहती है और वो गैमीटोफाइटिक होती है, जिसे हम हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इट इज़ हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड होती है और इसको गैमीटोफाइट स्टेज कहते हैं। और ये जो है, जब गैमीटोफाइट स्टेज होती है तो ये हैप्लॉयड गैमीट्स को जन्म देगी। ये हैप्लॉयड गैमीट कैसे बनेंगे, हैप्लॉयड गैमीट बनेंगे माइटोसिस के द्वारा। जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज होते हैं और एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। द जाइगोट रिमेन्स सिंगल सेल। और हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो अख्तियार करते हैं जीव, उसमें जो जाइगोट होता है वो सिंगल सेल्ड होता है। जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, और ये इसमें फिर माइटोसिस नहीं होती है और ये ऐसे ही रेस्टिंग स्पोर पड़ा रहता है, ये डिवाइड नहीं करता है। जो यानी बहुत छोटे समय या बहुत कम समय के लिए इसमें जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट भी सिंगल सेल रहता है, उसमें माइटोसिस नहीं होती है और वो रेस्टिंग स्पोर में पड़ा रहता है ऐसे ही। तब जाइगोट का सीधे क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, उस समय उसमें मियोसिस होती है और दोबारा से गैमीटोफाइटिक स्टेज शुरू हो जाती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या फिर से एन ही रहती है इसमें। एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अब्सेंट। इस तरह से हम कह सकते हैं, जब बहुत थोड़े समय के लिए जाइगोट बनता है और वो डिवाइड नहीं होता है, केवल सिंगल सेल्ड के रूप में ही रहता है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती है, यानी कि पूरी लाइफ इसमें गैमीटोफाइटिक स्टेज ही होती है और पूरी लाइफ ही इसमें क्रोमोसोम की संख्या एन ही रहती है। जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन है वो केवल सिंगल सेल्ड के द्वारा दर्शाई जाती है, और वो भी केवल जाइगोट के द्वारा। हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल अकर्स इन मैनी एल्गी सच एज। अब इनके आपको नाम याद रखना होंगे, ये सारे आप देख रहे हैं सारे ग्रीन एल्गी कैटेगरी के हैं, वॉलबॉक्स, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास में हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का फिगर दिखाया गया है, इसमें बहुत थोड़े समय के लिए जाइगोट बना 2N, और फिर से उसमें मियोसिस हुई और दोबारा से स्पोर्स बन गए, स्पोर में N क्रोमोसोम थे और पूरे जीवन भर इसमें N क्रोमोसोम्स ही रहे, और वो स्टेज को बोलते हैं हम गैमीटोफाइट स्टेज। स्पोरोफाइटिक स्टेज केवल इतनी सी बहुत छोटे समय के लिए होती है। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करिएगा। अब दूसरा जो फेस आता है वो है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो डोमिनेंट फेज होती है वो सिंगल ही होती है, लेकिन वो फेज होती है डिप्लॉयड फेज, जिसे कहते हैं स्पोरोफाइट। जीवन भर इसमें स्पोरोफाइटिक कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन या 2N कंडीशन ही होती है, केवल जब उन्हें गैमीट बनाने होते हैं तभी उसमें मियोसिस होती है, तभी कुछ समय के लिए उसमें
जो है गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है। डिप्लॉयड प्लांट बॉडी ही आगे ग्रोथ करती है और वो स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट बॉडी बनाती है। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है होना होता है तभी इसमें मियोसिस होती है। तभी जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो गैमीट फॉर्मेशन की समय ही इसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज होगी और जब गैमीट जो है फ्यूज करेंगे तो दोबारा से जाइगोट बन जाएगा और फिर से डिप्लॉयड फेस या स्पोरोफाइटिक फेस शुरू हो जाएगी और जीवन भर वही स्पोरोफाइटिक स्पेस ही रहे स्पोरोफाइटिक स्टेज ही रहेगी। जो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल अख्तियार करते हैं वो फ्यूकस है जो कि एक ब्राउन एल्गी है और क्लेडोफोरा है जो कि एक ग्रीन एल्गी है। और इसके अलावा आल सीड्स बियरिंग प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म भी इसी लाइफ साइकिल को अख्तियार करते हैं यानी डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। ह्यूमन भी यही लाइफ साइकिल अख्तियार करता है। ह्यूमन में हमेशा स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है। केवल जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है यानी मेल में जो स्पर्म है वो बनेंगे तब उस समय मियोसिस होगी और कुछ समय के लिए गैमेटोफाइटिक स्टेज होगी उसमें। और फीमेल में जब ओवम बनेगा तभी उसमें मियोसिस होगी और कुछ समय के लिए वहाँ भी गैमेटोफाइटिक स्टेज रहेगी, अन्यथा बाकी जीवन भर स्पोरोफाइटिक स्टेज ही चलती है इसमें ह्यूमन में भी। ठीक है, और फॉर एग्जांपल गैमेटो जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी हैं, ये इसका एक एग्जाम फिगर है। डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल आप देख रहे हैं पूरे जीवन भर चलता है। केवल जब गैमीट बनने होते हैं तभी थोड़े समय के लिए इसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है। नेक्स्ट है हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। इसमें दो टर्म आपको बताएंगे, एक तो हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल और दूसरा होता है डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल। अगर लिखा है हैप्लो डिप्लोंटिक तो इसका मतलब जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है या जो हैप्लॉइड स्टेज है वो डोमिनेंट करेगी, और अगर लिखा है डिप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल तो जो डिप्लॉयड लाइफ साइकिल है डिप्लॉयड स्टेज है स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो डोमिनेंट करेगी। अब देख लेते हैं इसमें दोनों ही गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक स्टेज जीवन में चलती रहती हैं एक के बाद एक। स्पोरोफाइट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जब नियोस्पोर्स बनना होता है तो मियोसिस होती है। अब जो नियोस्पोर्स बने हैं वो जर्मिनेट करेंगे और कुछ समय के लिए उसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज रहेगी। ठीक है, द गैमेटोफाइटिक गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमीट्स। द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ गैमीट्स इज ए डिप्लॉयड जाइगोट विच डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइट थैलस ऑफ द प्रोजेनी। दस देर इज ए क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस तरह से इसमें गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक स्टेज अलग अलग तरीके से देखी जा सकती है और गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट चलती रहती है इसमें। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये देखो टर्म बना है हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल अकर्स इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में ये देखा गया है, टेरिडोफाइट्स में ये देखा गया है और कुछ एल्गी सच एज डिक्टियोटा जिसे ब्राउन एल्गी कहते हैं उसमें भी ये देखा गया है। अभी आप डिस्कस करेंगे इसको हम आगे जब ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़ाएंगे कि हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल इसमें गैमेटोफाइट कैसे ग्रो करता है और स्पोरोफाइट कैसे ग्रो करता है। ये हैप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल का फिगर है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं लगभग 50% समय के लिए इसमें हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्टेज रहती है और आधे समय के लिए इसमें डिप्लॉयड यानी स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स है। इसको हम जो है क्या करेंगे फिगर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, बहुत आराम से बहुत आसानी से। अब देखिए जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तीन तरीके से होता है, आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ओगैमी। ठीक है, आइसोगैमी में जो गैमीट होते हैं वो सेम होते हैं, वो स्ट्रक्चरली भी सेम होते हैं और उनका बिहेवियर भी सेम होता है और उनका साइज भी सेम होता है। आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा गैमीट मेल गैमीट है और कौन सा गैमीट फीमेल गैमीट है। हाँ, इतना ज़रूर पता कर सकते हैं कि जो जाइगोट होता है
और जो गैमीट होता है उसमें क्या अंतर है? अगर देखिए गैमीट्स में अगर फ्लैजला हैं तो जो जाइगोट बनेगा उसमें नंबर ऑफ फ्लैजला बढ़ जाएंगे। जैसे गैमीट में अगर गैमीट है कोई तो उसमें दो फ्लैजला हैं, ठीक है, और जब वो जाइगोट बनाएगा तो फ्लैजला की संख्या कितनी हो जाएगी? चार। इस तरह से हम केवल जाइगोट और गैमीट में ही अंतर कर सकते हैं, मेल और फीमेल गैमीट में अंतर नहीं कर सकते। किसमें? आइसोगैमी में। दूसरी कैटेगरी है एनिसोगैमी या हेटरोगैमी। एनिसोगैमी में क्या होता है कि जो कभी कभी जब साइज होता है सेम होता है साइज, लेकिन जो बिहेवियर होता है गैमीट्स का वो अलग अलग होता है। एक बिहेवियर मोर एक्टिव होता है और अपना प्रोटोप्लाज्म दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, तब उसमें फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है। तो जो एक्टिव होता है उसे हम कहते हैं मेल गैमीट, और जो इनएक्टिव होता है उसे कहते हैं फीमेल गैमीट। और कभी कभी क्या होता है कि साइज अलग अलग होता है, जैसा अभी आप फिगर में देख रहे हैं तो आप आराम से पता ले जाएंगे ये छोटा वाला है ये मेल गैमीट है और जो बड़ा वाला है ये फीमेल गैमीट है। इसके बाद दूसरा जो है ओगैमी, यही मेन एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एंजियोस्पर्म में भी होता है। इसमें ओगैमी में एक जो फीमेल गैमीट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और मेल गैमीट बहुत छोटा होता है, और इसमें फीमेल गैमीट में फूड लेडन बॉडी भी होती है, ठीक, ये इनएक्टिव होता है और मेल गैमीट एक्टिव होता है। ये इसमें हमने आपको तीन कैटेगरी बताई, आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ओगैमी। एनिसोगैमी को हेटरोगैमी भी कहते हैं। एक और अंतर होता है आइसोगैमी, एनिसोगैमी और ओगैमी में। आइसोगैमी और एनिसोगैमी में क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं वो प्लांट बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और जो फर्टिलाइजेशन या उनमें फ्यूजन होता है प्लांट बॉडी के बाहर होता है। लेकिन ओगैमी में क्या होता है, जो फीमेल गैमीट होता है वो प्लांट बॉडी में एज इट इज़ लगा रहता है, मेल गैमीट आता है और फ्यूजन प्लांट बॉडी के अंदर होता है, ठीक, जिसे ऊ स्फीयर कहते हैं। और बाद में वही ऊ स्फीयर जब उसमें रिप्रोडक्शन हो जाता है तो वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।